खबर टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश गांव सुकनपुरा से है। सुकनपुरा निवासी माणिकलाल की पुत्री लक्ष्मीबाई ने बताया कि उसका पति रुपेश लोधी और उसके सास ससुर विगत कई वर्षों से उसे परेशान कर रहे थे और 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जब 5 लाख रुपए उनके द्वारा नहीं दिए गए तो उसके पति रुपेश लोधी ने और सास ससुर ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे लक्ष्मी जो बताओ किस गांव से आई तुम, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। तुम्हारी जब पीड़िता किसने पटक दिया तुम्हें बताओ, तो उसके परिजनों ने उसे खड़गापुर अस्पताल में भर्ती करवा दिया जहां पर उसकी हालत कौन है तुम्हारा बताई जा रही है और किसी भी पटक दिया प्राण जा सकते हैं। पीड़िता के परिवार 2 लाख रुपए की मांग की उसके ससुराल वालों ने 30,000 रुपए दिए हैं, जिसके कारण पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही और आज पीड़ित आराम ठीक नहीं है तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। एक विनय पत्र उसकी पुत्री के ससुराल जनों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की और कहाँ छोटे हैं बताइए राजपूत सर में और रिपोर्ट। नाम क्या है तुम्हारा, ये कौन है आपकी जो छत से गिरा दिया, नंद है, किसने गिरा दिया, कहाँ कहाँ चोटे हैं उन्हें, तो इलाज नहीं करवाया सर, पहले खागापुर फिर टीकमगढ़ फिर सागर फिर भोपाल, तो कुछ आराम नहीं है। नाम बताओ, लक्ष्मी लोधी। लक्ष्मी जो बताओ किस गांव से आई तुम, बनपुरा से। ससुराल कहाँ है तुम्हारी, बनपुरा। किसने पटक दिया तुम्हें बताओ, हमको सीता ने, हाँ नरेंद्र ने और रूपेश ने। नरेंद्र कौन है जी तुम्हारा, काकिया ससुर। क्यों पटक दिया, 2 लाख रुपया मंगा रहे। अच्छा 2 लाख रुपए की मांग की, हाँ। तो आपको चोटे कहाँ कहाँ है, सिर में और कमर में, हाँ और, तो आराम ठीक नहीं है तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, हाँ और कहाँ चोटे हैं बताइए, सिर में और कमर में, कमर में हाँ। भैया नाम क्या है तुम्हारा, पवन लोधी। कहाँ से आए आप लोग, करना, क्या मामला है जो आपकी बहन का, मेरी बहन का मामला है झगड़े में उसने लोगों ने पटक दिया नीचे, पैसे पैसा मांग रहे थे, बहन ने बोला कि पैसा नहीं है मेरे भाई के पास ना पापा के पास, अभी शादी किया उन लोगों ने, तो बोले कहीं से ना कहीं से उसको पैसा बोलो पैसा लाए, इनने बोला मेरे पापा के पास पैसा नहीं है तो पैसा नहीं मिल पाएगा, बोले तुम कुछ मार देंगे, बोले जो करना है जो कर दीजिए, तो उन्हें छत से नीचे पटक दिया है। किन किन लोगों ने पटका, नरेंद्र ने चाचा है, उनकी दादी है गिरजाबाई, चाची है उनकी सीता और पति है रूपेश लोधी, चारों लोगों ने पटका है नीचे, छत से फेंक दिया है नीचे। थाने गए थे रिपोर्ट डालने, थाने गया था मैं, क्या कार्रवाई हुई उसमें, कहाँ कार्रवाई कुछ नहीं हुआ उधर, क्या पुलिस ने पैसे ले लिए, हाँ पैसा उन लोगों से 30,000 रुपए लिया है, तो उन्हें मैं कुछ बोलता था कि छत से गिरा दिया है तो उन्होंने लिख दिया है कि चबूतरा से गिरा है। दादाजी नाम क्या है, माणिकलाल। कहाँ के हो, सुकनपुरा। आपकी बच्ची को किसने फेंका है छत से, कहाँ थी उस समय बच्ची आपकी, हमारी बच्ची छत पे थी, नहीं छत पे तो थी, किस गांव में थी, बनपुरा। किसने फेंका जी, साहब गिरजा भाई, हाँ सीता भाई, नरेंद्र और रूपेश। थाने में रिपोर्ट डाली आपने, पुलिया थाने में डाली है साहब, क्या कार्रवाई हुई उन पे, कोई कार्रवाई नहीं साहब, उनने थाने में 30,000 रुपया दे दिए, बच्चों डाली तो वो हमने लिखाया वो उनने लिखा नहीं, उन्हें पहले से थाना छाट दिया और ये 24 घंटा हमारे को किसी को जानकारी नहीं, ये वहीं अपने मकान में ऐसे ही बीच घर में डाल दिया तो वहीं डली मिली। चोटे कहाँ कहाँ है बच्ची को, चोटे कहाँ कहाँ है, मांड में है, हाँ कमर में है, कंधा में, हाथ में है, कंधा में है, 4 चोटे हैं। इलाज नहीं करवाया आपने, करवाया साहब पहले साहब खड़गापुर, खड़गापुर से टीकमगढ़, टीकमगढ़ से रेफर हुआ साहब सागर को, सागर से रेफर हुआ साहब भोपाल को, अब भोपाल से साहब। भैया नाम क्या है आपका, चिंतामन। कहाँ से आए आप लोग, सुरीला। क्या है मामला, किस मामले में आए आप टीकमगढ़ में, इनकी बच्ची सुकनपुर, इनकी बच्ची थी बनपुरा, और बनपुरा वान है, इनने दिया 5 लाख रुपया, किसने, सुकनपुर वान मानक लाल ने, और 5 लाख वो बच्ची से गुलाब जनन का मामला, 3 साल इनको शादी को हो गई, 3 साल में अभी बच्ची से परेशान तो कहते रहे, लेकिन बेची मांगते रहे कि हमारी 2 लाख रुपया बाकी रुपया लेती आओ, तो आज उन कही उनने शादी, तो आज उनके पास पैसा नहीं,
तो उन्होंने कह दिया हम आपसे चार जो कह दो हम लोग पैसा नहीं, तो ये छत पे कहाँ थी गेहूँ पिसवाने के लिए सुखे रही थी, तो ये वहाँ पर काम कर रही थी, उधर काम कर रही थी, उधर पहुँची उनकी सास चटिया सास अटिया सास और कटिया सास जो है चाची उनकी वो चाचा उनके वो लड़का चार जने पहुँची वहाँ, चार जने पहुँच के उनके जैसे ही नन मान गए उनके चाचा ने ये कहा कि फेंको इसे, तो उनकी चाची ने और दादी ने इन्हें दोनों जन ने उठा के सीधे नीचे फेंक दिया, बच्ची को भी फेंक दिया था।